हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं उन सब्सक्राइबर को सॉरी क्योंकि मेरे पास पंद्रह दिन से मेरे पास ये फ़ोन नहीं था इसलिए मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रही तो आज मैंने आप लोगों के कमेंट देखे तो मैं अब ये बताने जा रही हूँ आपने कहा कि इसे आप खोल पूरी दिखाएँ मैं इसे खोल पूरी दिखा रही हूँ आपको ऐसे ये बनाई जाएगी और यहाँ पर गोलाई में होगा ये ये गोलाई में बनेगी और वैसे भी मैंने ये भी इसकी वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है पूरी जैकेट दिखाई हुई है फिर भी मैं आपको ये दिखाती हूँ देखिए ये है बैक साइड ये बैक साइड से है जैसे मान ये कॉलर है ऐसे हमने बनाया है यहाँ से इस शोल्डर से हमने ये शुरू किया ऐसे किया तो ये दोस्तों मैंने ये देखिए मैं बताती हूँ जैसे ये वाले हैं इसको छोड़कर ये सीधे वाला ये सीधा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस किए हैं और ग्यारहवा किया है और ये वाले जो उल्टे उल्टे हैं ये कितने बने हैं इसमें देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस उसके बाद चार र, चार रोए वाली निकाल कर सीधे वाली निकाल कर और ये डिजाइन भी यहाँ पर चलता रहेगा और जब हम यहाँ पर इस डिजाइन पर आएंगे ये डिजाइन मैंने आपको बताया वो है ये उल्टी जब हम उल्टी तरफ से बैक साइड से होंगे उल्टी साइड से तब ये डिजाइन रखा जाएगा ये वाला डिजाइन और यहाँ पर ये वाला होगा और हाँ दोस्तों आपने पूछा है कि यहाँ पर कब कब कितने फंदे छोड़ने हैं तो देखिए ये डिजाइन तो अपना पूरा हिल होगा जो इसमें कोई भी रो ऐसी नहीं होगी कि जैसे बैक साइड से शुरू होगा फिर सीधी साइड में आएगी रो वो भी ऐसे ही बनेगी फिर आप यहाँ पर आई आइएगा यहाँ से फिर वापस हो जाइएगा यहाँ पर ये जाली बनेगी यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दो का एक यहाँ पर दो का एक जहाँ पर ये जाली बनेगी वहाँ पर दो का एक जरूर बनेगा जो जाली वाला फंदा दूसरा एक ये वाला है ये दो का एक बन जाएगा यहाँ पर भी ये वाला फंदा और ये दो का एक बन जाएगा ऐसे यहाँ जाली भी बनेगी और फंदा बढ़ेगा भी नहीं तो आप लोगों ने पूछा कि कब कब फंदे उठाने हैं तो यहाँ पर देखिए ये रो पूरी कंप्लीट होने के बाद जब भी आप सीधी साइड आओगे तो आपको यहाँ पर ये बनाकर लगभग दस फंदे छोड़ देने हैं यहाँ पर फिर आपको यहीं से बैक हो जाना है और फिर दोबारा फिर आना है यहाँ पर फिर चार फंदे फिर इसमें यहाँ पर आपने दस फंदे छोड़े थे तो आइडिया से आप लगा लिए कि चार फंदे इसमें दस छोड़ कर चार फंदे इसमें आपने ऐड कर लिए फिर दोबारा आप उस तरफ चले गए फिर आप इस तरफ आते जाओगे तो ऐसे ऐसे ये होता चला जाएगा तो यहाँ पर आपको सीधी साइड में ये सेवन रो डालनी है सेवन रो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पर जाली डालकर ऐसे ही होगा दोस्तों हर उसमें ऐसे ही करते जाइएगा और जब ये राउंड होगा गुलाई में होगी ये वाला देखिए ये वाली गोलाई में आएगी तब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर मैंने शुरू में मैंने टेन फंदे कहा कि टेन फंदे छोड़ कर आप मुड़ जाइएगा वापस यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको कम से कम ये फंदे आपको कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फंदे यहाँ पर रखने हैं फिर आपको पैक हो जाना है ऐसे ही आपको इसमें से दो चार फंदे फिर अगले इसमें रो में मिला लेने हैं फिर आपको बैक हो जाना है इसमें ये वाली और ये वाली और ये वाली ये एक दो तीन चार इसमें आपको यहाँ से ही जल्दी से बैक हो जाना है क्योंकि यहाँ पर आपको गुलाई लेनी होती है देखिए यहाँ पर कौन से उसमें आएगा ये एक दो तीन चार पाँच ये छठे में आएगा छठ नहीं सॉरी दोस्तों छठा सात सातवें में आएगी ये रो सातवीं और आठवीं और नौवीं ये नौ दसवीं इसमें आपको ऐसे ही करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी वापस हो जाना है और यहाँ पर ऐसे ही बनाना है और इस साइड भी ऐसे ही होगा दोस्तों तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे जिसने भी मुझे ये कमेंट किया है कि आप दोबारा से खोल कर दिखाएँ बताएँ तो मैंने ये मैं मैंने अपने तरीके से बता दिया है और अगर नहीं समझ माया तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हो वैसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं मैंने इसे पहले भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है और उस पर कोई भी पार्ट नहीं है जो मैंने पार्ट बनाए हैं वो तो मैंने समझाई ही है उसके बाद फोर पार्ट के बाद मैंने पार्ट फाइव नहीं लिखा है उसमें मैंने ये अच्छी तरीके से समझाया हुआ है ये वाला पार्ट पाँचवा मतलब पाँचवा पार्ट पाँच पाँच नहीं लिखा हुआ है तो थैंक यू दोस्तों